गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कृष्ण कुमार मेला आप सभी का पनोरमा वर्ल्ड स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने केंद्र सरकार के तहत सरकार की परिभाषा और सरकार के अंग, जिसमें से पहला जो अंग था व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका में संघ की जो व्यवस्थापिका है उसे संसद नाम दिया गया और संसद के जो सदन होते हैं दो, उनमें से हमने लोकसभा के बारे में बातें कर ली थी। आज हम बात करेंगे लोकसभा के जो उच्च सदन है या द्वितीय सदन है राज्यसभा, उसके बारे में आप हम अध्ययन करेंगे। तो हम बात करते हैं राज्यसभा की संरचना कैसी होनी चाहिए। राज्यसभा की संरचना संविधान के अनुच्छेद 80 में, संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। इसके बाद में संरचना में से पहले हम बात करते हैं इसके उपनाम। राज्यसभा को और किन किन नामों से जाना जाता है? इसे द्वितीय सदन, द्वितीय सदन या उच्च सदन भी कहा जाता है, द्वितीय सदन या उच्च सदन भी इसे कहा जाता है। इसकी आप बात करते हैं सदस्य संख्या, सदस्य संख्या, इसकी संरचना में हम बात करते हैं सदस्य संख्या। राज्यसभा में संविधान के अनुसार अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है, 250 सदस्य अधिकतम। कितने सदस्य? 250 सदस्य। ये जो सदस्य हैं उनमें से 233 सदस्य, 233 सदस्य राज्यों के विधानमंडलों द्वारा, राज्यों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित। ओके, पांच सदस्य केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्वाचित, 12 सदस्य, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। वो 250 सदस्य किस प्रकार होंगे? 233 सदस्य राज्यों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित, पांच सदस्य वो केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा निर्वाचित होंगे। इसके अलावा जो 12 सदस्य हैं उन्हें राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। ये सदस्य कौन होंगे जिन्हें मनोनीत करता हो? ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, कला साहित्य विज्ञान व समाज सुधार के कार्यों में
विशेष अनुभव प्राप्त होते हैं। यानी जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, किन्हें करता है? कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सुधार के कार्यों में विशेष अनुभव या विशेष योगदान वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसका जो आर्टिकल है 80(3), अनुच्छेद 80(3) के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। वर्तमान सदस्य संख्या 245। राज्यों से 229 सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों से 4 सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। इस प्रकार वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 245। राजस्थान में, राजस्थान से राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। राज्यसभा में राजस्थान के द्वारा 10 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। राजस्थान से लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है निर्वाचित होने वालों की? 25। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम इनके निर्वाचन की, सदस्य संख्या। इसके बाद में बात करते हैं इनका निर्वाचन किस प्रकार होता है। पिछली क्लास में हमने बात की थी लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन की, तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता था, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन इनका चुनाव, इनके राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा न होकर, जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके द्वारा होता है। मतलब इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का दूसरा नाम परोक्ष भी आ सकता है, परोक्ष। अप्रत्यक्ष का दूसरा नाम परोक्ष भी आ सकता है। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होते। अप्रत्यक्ष रूप से कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? आनुपातिक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कौन सी पद्धति के द्वारा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। आखिरकार ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे अगली क्लास में, जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, इसमें कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं? इसमें राज्यों के विधान मंडलों के सदस्य, राज्य
राज्य में विधान मंडलों के सदस्य भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? राज्यसभा के विधान मंडलों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। उसके बाद में निर्वाचन के बाद में इसकी देखते हैं योग्यताएं। निर्वाचन के बाद में इसकी देखते हैं कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। योग्यताएं वही होंगी जो लोकसभा सदस्य के लिए थी। एक चेंज होगी, वो देखते हैं कौन सी होती है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 30 वर्ष या इससे अधिक। भारत सरकार व राज्य सरकार, भारत सरकार व राज्य सरकार में लाभ की पद पर, लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। चार नंबर, न्यायालय द्वारा पागल, न्यायालय द्वारा पागल व दिवालिया घोषित न हो। ये चार योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी? भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 30 वर्ष या उससे अधिक हो, भारत सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर आसीन न हो, और इसके अलावा चौथा है न्यायालय द्वारा पागल व दिवालिया घोषित न हो। इन योग्यताओं के बाद हम बात करते हैं इनके सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल, कार्य लोकसभा का कार्यकाल स्थायी नहीं था, लेकिन साधारणतः 5 वर्ष होता है। इसमें देखिएगा राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। कुल सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते। देखिएगा कार्यकाल, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन
राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का कार्यकाल न होकर इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना? 6 वर्ष। कुल सदस्यों में से 1/3 यानी 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मतलब जो सभी सदस्य 245 सदस्य हैं, वो सभी के सभी एक साथ सेवानिवृत्त नहीं होते लोकसभा की तरह। इनमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के पदाधिकारी राज्यसभा के पदाधिकारियों का उल्लेख अनुच्छेद 89 में है। अनुच्छेद 89 में क्या बात है? राज्यसभा के दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। ओके, राज्यसभा के कितने प्रमुख पदाधिकारी होते हैं? दो। एक सभापति और दो उपसभापति। सभापति और एक उपसभापति। ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लोकसभा का जो पदाधिकारी होता है लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, उनका निर्वाचन जो संसद की लोकसभा के सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा होता है। लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। पदेन मतलब जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वह व्यक्ति साथ साथ राज्यसभा का सभापति भी होगा। इसके अलावा इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रथम सभापति की। प्रथम सभापति कौन था राज्यसभा का? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन मतलब भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे ना, वो ही प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान कौन है? वेंकैया नायडू। राज्यसभा के दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, सभापति उपसभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वर्तमान में वेंकैया नायडू। अब बात करते हैं उपसभापति की। उपसभापति इसका निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष। ध्यान रखिएगा, उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष और सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष
और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष। अब आगे बात करते हैं राज्यसभा के सॉरी संसद की कार्यों की। संसद के कार्य, राज्यसभा का टॉपिक हमारा था कंप्लीट हो गया, संसद के दोनों सदन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे संसद के कार्य, संसद के कार्य व शक्तियां। संविधान में संसद को काफी व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है जो निम्न प्रकार से, तो पहले जो महत्वपूर्ण संसद के पास शक्ति है विधायी शक्ति, विधायी शक्ति या विधायी शक्तियां। विधायी का मतलब कानून, विधायी का मतलब कानून, यानी कि कानून बनाने की शक्तियां। सबसे जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए कानून निर्माण करने का है। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना है। सरकार के 3 अंग होते हैं, जिनमें पहला जो व्यवस्थापिका था उसमें हमने बात की थी, सरकार के अंग में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका का क्या काम था? कानून निर्माण। इसी प्रकार संसद व्यवस्थापिका का ही रूप है, तो उसका महत्वपूर्ण जो कार्य है कानून निर्माण का कार्य। कानून निर्माण कौन कौन सी विषयों पे या कौन कौन सी सूचियों पे करती है, तो आपको बता दें अनुसूची 3 में 7 में 3 विषय हैं। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ, संघ का मतलब होता है केंद्र। संघ सूची के जितने भी विषय हैं, संघ सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं इनके कानून निर्माण का अधिकार केवल संसद को। ओके, संघ सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं, यानी कि संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय शामिल है, उन पे कानून कौन बनाएगा? केवल और केवल संसद। इसके बाद में बात करते हैं समवर्ती सूची के विषयों की। तो समवर्ती सूची, सम का मतलब यहाँ पर क्या है? सम का मतलब होता है बराबर। तो इन जो सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उनपे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों कानून बनाते। परंतु गतिरोध की स्थिति में अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का मान्य होगा। मतलब
विषय हैं उन पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु अगर किसी कानून के विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो अंतिम निर्णय किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। इस समवर्ती सूची के दौरान कुल 47 विषय जिन पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र और राज्य दोनों। लेकिन किसी विषय पर गतिरोध उत्पन्न हो जाना है तो अंतिम निर्णय किसका होगा? केंद्र सरकार। इसके बाद में बात करते हैं राज्य सूची। राज्य सूची इसमें जो 52 विषय हैं वर्तमान में, 52 विषय, 52 विषय, इन पे कानून को बनाएगा कानून निर्माण राज्यों के द्वारा, राज्यों के द्वारा। राज्य सूची के जितने भी विषय हैं यानी कि 52 विषय, उन पे कानून निर्माण का कार्य कौन करेगा? राज्य। लेकिन राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत, लेकिन राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय को, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो उस विषय पर, उस विषय पर कानून निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, राज्य सूची के कुछ विषय जिन्हें राज्यसभा, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस विषय पर कानून निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त हो जाएगा? संसद को प्राप्त हो जाएगा। ये थी विधायी शक्तियां। इसके बाद में हम बात करते हैं दो नंबर जो महत्वपूर्ण उसका कार्य है संसद का, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की शक्ति या कार्य। तो संविधान में जो संशोधन मतलब परिवर्तन अगर कोई कर सकता है तो कौन कर सकता है? केवल और केवल संसद। संविधान, संविधान में संशोधन की महत्वपूर्ण शक्ति संसद को प्राप्त है। संविधान में संशोधन करने की महत्वपूर्ण शक्ति संसद को प्राप्त है। संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन राज्य विधानमंडल नहीं कर सकते, राज्य विधानमंडल नहीं कर सकते हैं। संविधान में संशोधन की महत्वपूर्ण शक्ति केवल और केवल किसके पास है? संसद के पास। संविधान में संशोधन राज्य विधानमंडल नहीं कर सकते,
संशोधन दो प्रकार से होते हैं, संशोधन है वो दो प्रकार से होते हैं, अधिकांश संशोधन किसके द्वारा होंगे, अधिकांश संशोधन संसद की दोनों सदन, अधिकांश संशोधन संसद के दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत से पास या पारित हो जाते हैं। पहली सिचुएशन तो यह है कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो अधिकांश संशोधन तो संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाते हैं तो संशोधन माना जाता है। कुछ संशोधनों में संसद के अलावा आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। संविधान संशोधन दो प्रकार से होता है, अधिकांश संशोधन संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत से ही पास किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ संशोधनों में संसद के अलावा आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है, जैसे जीएसटी लगा था उसमें संसद की स्वीकृति और उसके बाद में आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक थी। इसके बाद में तीन नंबर जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है वित्तीय शक्तियां। संसद के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होने के कारण भारतीय वित्तीय व्यवस्था पर संसद या भारतीय राष्ट्रीय वित्त पर संसद का पूर्ण अधिकार होता है। वित्त का मतलब होता है धन, पेशी, ठीक है। वित्त मंत्री राष्ट्रपति की अनुमति से प्रतिवर्ष वित्त वर्ष का बजट का मतलब होता है आय व्यय का ब्यौरा। बजट क्या होता है, कितने पैसे आए और कितने पैसे खर्च किए उसका ब्यौरा देती है। वित्त मंत्री राष्ट्रपति की अनुमति से प्रतिवर्ष वित्त वर्ष का बजट
संसद में प्रस्तुत करती है। वित्त मंत्री है जो राष्ट्रपति की अनुमति से प्रति वर्ष वित्त वर्ष वित्त वर्ष भाग का वित्त वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य की अवधि को क्या कहा जाता है वित्त वर्ष वह बजट प्रस्तुत करती है कहां पे संसद में विशेषकर लोकसभा में। इस बजट को लोकसभा और राज्यसभा की अनुमति के बाद इस बजट को संसद की स्वीकृति के बाद लागू किया जाता है। तो वित्तीय शक्तियां में हमने पढ़ ली। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम संसद की जो अन्य कार्य और शक्तियां बची रहे वो उसके बाद में राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।